हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल टेमिंग फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का डेरिवेशन करेंगे और फिर उसी पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्न पे कॉम्पिटिटिव लेवल के, वैसे तो आज जो करने जा रहे हैं उसमें भी दो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हम इसी टॉपिक पे करेंगे। सो हमारा टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द टू पार्टिकल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस। मतलब क्या हुआ, ये हम समझाते हैं। डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, दो पार्टिकल है M1 और M2, इनके बीच का सेपरेशन R है। फाइनली हम डिराइव करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला आएगा, U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G M1 M2 अपॉन R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। उसका रीजन क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव है। बेसिकली कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब चूंकि ये अट्रैक्टिव है इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये हमेशा याद रखो, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव होगा, और अगर फोर्स रिपल्सिव है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो भाई, अब डिफिनेशन पे आते हैं। तो ये है कि दो पार्टिकल M1 M2, इनके बीच का सेपरेशन R है। अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया जाए? तो डिफिनेशन कह रहा है कि दोनों पार्टिकल को M1 और M2 को कहां पे रख दें भाई? इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी हम बोर्ड पे या कॉपी पे नहीं बना सकते, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं शो कर सकते, इसलिए हम सिंपली ऐसे इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं कि ये भी इंफिनिटी पे, ये भी इंफिनिटी पे, यानी इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो। अब डेफिनेशन करा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द टू पार्टिकल्स आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। तो रेस्पेक्टिव पोजिशन हम देखें क्या है, उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है। तो सपोज कर लो M1 को हम यहां पे ले आ रहे हैं, M1 को यहां से यहां लेके आए, ये सपोज कर ले वर्क W1 है, और M2 को यहां से यहां तक लेकर आए, ये सपोज कर लो वर्क डन W2 है। अब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? आर भाई, इसको इंफिनिटी से यहां लेके आए, इसको इंफिनिटी से यहां लेके आए, तो जो वर्क डन हुआ W1 प्लस W2 किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशन ने जो वर्क किया वो वर्क निकाल ले और उसी का निगेटिव ले ले, उसी का क्या ले ले? निगेटिव। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हो जाएगा, वही डिफिनेशन वहां पे लिखा हुआ है। और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। कैसे आएगा दिखाते हैं। जब हम ये इधर इंफिनिटी पे, ये इधर इंफिनिटी पे, फिर से हम बता रहे हैं, अब M1 को
इस पोजीशन पर लेकर तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो अभी भी इंफिनिटी पे है, तो जब m1 यहां पे आएगा तो यहां से ये कितने डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी ये इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन इंफिनिटी। भैया इंफिनिटी पे है ना, तो इसको हम यहां से यहां लेके आए तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो वर्क डन क्या हो गया W1, ये जीरो हो गया। इसीलिए आप बुक में देखेंगे इसको मेंशन नहीं किया होता है, वर्क डन ऑन M1 विल बी जीरो, उसको मेंशन नहीं करता। अब हम इसको लेके आएंगे तो वर्क डन होगा, जब M2 को लेके आएंगे तो वर्क डन होगा, अभी इंफिनिटी पे है फोर्स जीरो होगा, लेकिन जब फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया, मान लो इस डिस्टेंस पे आ गया एक्स डिस्टेंस पे, अब तो वर्क होगा क्योंकि अब फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे नजदीक लाएंगे फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा। तो हमको केवल ये वाला वर्क निकालना है, M1 को हम यहां लेते हैं वर्क डन जीरो, अब M2 को यहां से r डिस्टेंस पर लेके आए, जो वर्क होगा उसी का निगेटिव ले ले, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा इस दोनों सिस्टम का। तो अब फाइनल फिगर हम बना रहे हैं, आप एग्जाम में कैसे करोगे वो हम दिखा रहे हैं। पहले तो इंफिनिटी से इस पॉइंट पर M1 को लेकर आए, कोई वर्क नहीं हुआ, वर्क डन जीरो होगा, इसलिए इसको बुक में मेंशन नहीं करते हैं और हम लोग भी इसको मेंशन नहीं करेंगे। अब हम M2 को लेकर आए, तो मान लो जब M2 को इंफिनिटी से लेके आ रहा है तो किसी टाइम पे इसका डिस्टेंस M2 का M1 से क्या है, x। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मोमेंट पे लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, F ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो हमको पता ये फोर्स वेरिएबल है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। तो फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, एफ एक्स कॉस थीटा लगा सकते हैं कि नहीं, नहीं लगा सकते क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स पे लगता है। तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन का लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालते हैं, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ले लें और इसका वर्क डन लिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब हम इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी M2 को हम इंफिनिटी से इस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे लेके आएंगे, मान लो हमको यहां पे लेके आना है, कहां पे लेके आना है, यहां पे लेके आना है, तो इंफिनिटी से यहां जब लेके आएंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन में इधर क्यों दिखा रहे हैं, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो dx एलिमेंट होता है dx को इंटीग्रेंड कहते हैं, यही इंटीग्रेट करेगा फंक्शन को, ये कभी भी हम निगेटिव नहीं ले सकते। देखो x यहां से मेजर कर रहा है तो x इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, यानी dx पॉजिटिव होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर दिखा देंगे तो dx निगेटिव हो जाएगा और वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम dx को इधर दिखा रहे हैं। वैसे जब हम लिमिट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पार्टिकल किधर से किधर जा रहा है, तो इसलिए हमने dx को इधर लिखा है। अब करते हैं वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन क्या होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या, 180 डिग्री, सो इट इज एफ डीएक्स माइनस वन। अब एफ क्या होगा भाई, कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स
और माइनस साइन हमने इधर लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कैपिटल जी एम वन एम टू एम वन एम टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। ये हमारा फंक्शन बन गया भाई डी डब्ल्यू। अब वर्क डन हमको कहां से कहां तक निकालना, जब पार्टिकल को इंफिनिटी से कहां तक लेके आ रहा है r तक, ये डिस्टेंस r है, m2 को यहां पे लेके आना है। फाइनली m2 को कहां पे लेके आना भाई, यहां पे लेके आना। तो वर्क डन इंफिनिटी से r तक का निकालना है, यानी पहले x क्या होगा इंफिनिटी, फिर x का वैल्यू क्या होगा r। सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r। अब यहां पे देखो ये क्लियर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है, इंफिनिटी से r की तरफ, तो dx का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इधर होगा, तो इसी को इंटीग्रेट करना। सो dw इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लें, कैपिटल g m1 m2 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस टू dx। जब इंफिनिटी पे होगा पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है, वर्क डन जीरो होगा, और जब r पे आएगा तो सपोज कर लो वर्क डन w हुआ। अब इसी को इंटीग्रेट कर ले, तो LHS को इंटीग्रेट करें, LHS का इंटीग्रेशन dw का w, w माइनस जीरो, लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो गया w माइनस जीरो, माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम वन एम टू इन ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में एक पावर प्लस करते हैं तो एक्स टू द पावर माइनस टू, एक पावर प्लस किया अपॉन इसी पावर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी माइनस वन बाई एक्स, पावर माइनस वन है तो डिनोमिनेटर में चला गया ना, और ये माइनस वन है तो माइनस साइन इधर आ गया, माइनस वन बाई एक्स, सो माइनस वन बाई एक्स लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, so w is equal to minus capital G m1 m2, ये minus sign हमने बाहर निकाल लिया तो ये plus हो गया, बचा 1 by x from infinity to r। अब limit put कर दें तो capital G m1 m2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह 1 बाई आर हो गया, देन माइनस 1 बाई इंफिनिटी। सो वर्क डन क्या हो गया, अब यहां पे हम लिख दें वर्क डन W is equal to capital G M1 M2 upon R. So U is equal to definition में क्या कहा, minus W, M2 को लाने में ये वर्क हुआ और M1 को लाने में जीरो वर्क हुआ, वो हमने पहले दिखा दिया,
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू ये है, सो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया और ये डेरिवेशन हो गया। 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन आता है, सिंपल डेरिवेशन है। अब हम इन्हीं पे बेस्ड 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसी पे बेस्ड और टफ प्रॉब्लम्स करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 3 पार्टिकल्स situated at the 3 particles each of mass m, each of mass m situated at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Find gravitational potential energy of the system. इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कोने पे 3 पार्टिकल है, मास तीनों का क्या है स्मॉल m, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड a। इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। दिक्कत यह कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो 2 पार्टिकल के लिए डिराइव किया है और यहां पे 3 पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई कि कॉम्बिनेशन करेंगे 2 पार्टिकल का, तो एक कॉम्बिनेशन ये होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये होगा और तीसरा कॉम्बिनेशन ये होगा और इनका पोटेंशियल एनर्जी लेके सम ले लेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता यूनिट जूल। सो ये 3 कॉम्बिनेशन, वैसे इसके लिए फार्मूला है 3C2, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स आउट ऑफ 3 पार्टिकल्स। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 3 upon factorial 3 minus 2 into factorial 2। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये हम बता दें, ये बेसिकली बायो के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो इन सब चीजों को जानते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 into 2 into 1 upon factorial 1 1,
इंटू देन फैक्टोरियल टू, टू इंटू वन ये होता है। यदि फैक्टोरियल एन हम लिखे तो इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, इसी को फैक्टोरियल हम फैक्टोरियल एन कहेंगे। सो यहां से देखें तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, थ्री हो गया। तो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तब तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ये तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तब की बात हो रही है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन है, सो यू इज इक्वल टू। अब हम ये देखें तो जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वही इस दोनों का होगा, वही इस दोनों का होगा, क्योंकि मास तीनों केस में सेम है और डिस्टेंस सेम है, यानी थ्री टाइम्स कर दें और किसी एक का निकाल लें, और चूंकि निगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए माइनस साइन रख दें। अब एक किसी एक का निकाल लें तो ये क्या हो गया, कैपिटल जी एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर अपॉन आर यानी ए। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे। प्रॉब्लम नंबर टू कर लेते हैं हम स्क्वायर के लिए, यानी चार पार्टिकल ले ले भाई, हमने तीन पार्टिकल का कर लिया, अब चार पार्टिकल के लिए क्या होगा। तो देयर आर फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम सिचुएटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर टू। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये एक स्क्वायर ले लें, चार पार्टिकल है, चारों पार्टिकल का मास m है और साइड a। अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4c2, 4 का मतलब अब इसको करें तो ये फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इसका एक्सपेंशन हुआ 4c2 का। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 2 टू, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, देन इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। तो ये 4 इससे कट गया, कितने कॉम्बिनेशन बने, 6 बने। 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा, अब फिगर में हम दिखा रहे हैं। तो 6 कॉम्बिनेशन में 4 तो साइड का कॉम्बिनेशन होगा, ये देखो 1 2 3 4, और फिर 2 डायगोनल कॉम्बिनेशन होंगे, एक ये वाला डायगोनल और दूसरा ये वाला डायगोनल। सो यू इज इक्वल टू, साइड का 4 कॉम्बिनेशन है, चारों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा क्योंकि मास और डिस्टेंस सेम है, तो 4, और चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है इसलिए माइनस। अब किसी एक साइड का लिखते तो ये वाला साइड ले लें, कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर, तो कैपिटल जी एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर अपॉन आर यानी ए, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है इसलिए माइनस कर दिया, और डायगोनल का 2 कॉम्बिनेशन होगा, एनर्जी दोनों का सेम होगा क्योंकि मास सेम डिस्टेंस सेम, तो इसलिए 2 टाइम्स कैपिटल जी एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर अपॉन आर। अब आर हम ये लेंगे भाई डायगोनल, तो ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा, रूट टू ए, तो रूट टू ए, टू ए। सो माइनस कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन ए, ये हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा यहां पे 4, और प्लस 2 अपॉन रूट टू हो गया,
भाई समझ में आ रहा है सबको, टू अपॉन रूट टू, तो टू को लिख सकते हैं यार टू हो गया, इस टू को हम क्या लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, तो एक कैंसिल आउट हो गया ये रूट टू हो गया, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे, ये जितने दो क्वेश्चंस किए उसमें सबसे लेंदी प्रॉब्लम है, फॉर्मूला वही लगना है, कैसे इसको करेंगे दिखाते हैं बोर्ड पे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी तक जो दो क्वेश्चन किए ये तो दोनों बोर्ड लेवल के थे, लेकिन जो अब हम करने जा रहे हैं वो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस्ड का बहुत ही इजी क्वेश्चन माना जाएगा। तो क्या है, देयर आर 8 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m सिचुएटेड एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, ऑफ साइड a फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या है इसको देखते हुए फिगर ड्रॉ करके, एक क्यूब बना ले इस तरीके से, एक क्यूब है इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं इन पे 8 पार्टिकल रखा गया ईच ऑफ मास m, और क्यूब का साइड क्या a, करें इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो कैसे किया जाए, पहले तो देखें कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला 2 पार्टिकल के लिए और यहां 8 पार्टिकल है, तो 8 में से 2 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये इसका एक्सपेंशन हुआ भाई। अब फैक्टोरियल 8 का मीनिंग क्या हुआ भाई, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, ये होगा फैक्टोरियल 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देन इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 ये हो गया, तो 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बचा ये 2, ये 2 से ये 8 कैंसिल आउट हुआ 4, तो 4 इंटू 7 28 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं। अब 28 कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होंगे देखा गया, तो 28 कॉम्बिनेशंस में से आप क्यूब बना के देखना, हम यहां पे लिख रहे हैं भाई साइड कॉम्बिनेशन 12 होंगे भाई, 12 साइड है ना, तो साइड कॉम्बिनेशन कितने में 12 हुए, और हर एक साइड का लेंथ a होगा, यानी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस a होगा। अब फेस डायगोनल कॉम्बिनेशन, कोई भी एक फेस, क्यूब में 6 फेस होंगे, क्यूब में कितने फेस होंगे 6 फेस होंगे, और हर एक फेस में 2 डायगोनल होंगे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए, ये है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कॉम्बिनेशन
कितना बता भी हमने 12। केमिस्ट्री में आप लोग क्यूब के बारे में पढ़ते होंगे, क्यूब के कितने फेस होते हैं 6, और हर एक फेस में कितने डायगोनल होंगे 2, तो 6 2 12 12 कॉम्बिनेशन, और फेस डायगोनल का लेंथ √2a होगा, √2a, ये सारा केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। अब बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कॉम्बिनेशन, कितने बॉडी डायगोनल होंगे एक क्यूब में, ये भी आपने पढ़ा होगा 4, और हर एक बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होगा √3a, ये सारा केमिस्ट्री में आपको पढ़ा गया। तो बस यही करना, 12 + 12 = 24 + 4 = 28, ये 28 कॉम्बिनेशंस हो गए। अब इस 28 कॉम्बिनेशंस का पोटेंशियल एनर्जी हमको लिखना है, तो U इज इक्वल टू, पहला तो 12 कॉम्बिनेशन साइड का, 12 कॉम्बिनेशन हम साइड का लें, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा इसलिए माइनस, और 12 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हर एक साइड कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, कितना होगा भाई कैपिटल जी एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर अपॉन आर यानी ए, देन माइनस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 12 डायगोनल का कॉम्बिनेशन फेस डायगोनल का, और किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कैपिटल जी एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर अपॉन, अब फेस डायगोनल, फेस के दोनों कॉर्नर पे जो फेस डायगोनल के दोनों कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उनके बीच का सेपरेशन √2a, देन माइनस 4 बॉडी डायगोनल के कॉम्बिनेशन होगा, और किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना होगा √3a, दो पार्टिकल के बीच का √3a, सो ये हो गया माइनस कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा भाई 12 प्लस, इसको हम 6√2 लिख सकते हैं, और ये आप समझ सकते हैं इस चीज को भाई 12 इन 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 2 / √2, और 2 क्या है √2 × √2, तो ये इससे कटा तो यहां पे √2 बचेगा, तो ये आ गया प्लस 4 / √3, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का U इज इक्वल टू, सो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का क्लास यहीं तक हम रखते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।